प्रीवियसली लेक्चर में हमने पढ़ा था कलर एंड स्ट्रोक, आज हम देखने वाले हैं बिगिनिंग विथ टाइप टूल। आज हम इलस्ट्रेटर में टाइप टूल यानी टेक्स्ट टूल को पढ़ेंगे। टाइप टूल यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इलस्ट्रेटर के अंदर टाइप का मीनिंग है टेक्स्ट, यानी आप जो लिखते हो, जिसमें हम सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, जो सारी चीज़ें हम लिखावट में यूज़ करते हैं वही यहाँ पे टाइप बोली जाती है। टाइप टूल के साथ कीबोर्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें कीबोर्ड से ही सारी चीज़ें हैंडलिंग करनी है इन दी टाइप टूल। टाइप टूल के अंदर पहला जो टूल है उसका नाम है टाइप टूल। देखिए, आपकी स्क्रीन पर इलस्ट्रेटर खुला है, टाइप टूल आपको यहाँ से मिलेगा जो टूल पैनल में है, जबकि मेनू में टाइप मेनू पूरा अवेलेबल है। पहले टूल को टाइप टूल के अंदर आर्टिस्टिक टाइप बोला जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है टी। क्लिक कीजिए एंड आर्टबोर्ड पे आप कोई भी एरिया लिख सकते हो, समझे? अच्छा, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ और लिख रही हूँ, जो भी सेंटेंस आपको यहाँ पे फॉर्म करना है, जैसे कि हेलो, वेलकम टू माय वर्ल्ड, तो आप यहाँ पे सारी चीजें इजीली कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो। जैसे मुझे एड ऑन करना है, आप एंटर करके सारी चीजें लिख सकते हो, जिससे आप पूरा एरिया बना सकते हो। ओके, सिलेक्ट करने के लिए आपको जस्ट क्लिक करके ड्रैग करना है, जिससे आप कोई भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन के बाद जितनी भी एडिट एरिया है ऊपर प्रॉपर्टी एरिया में आपको मिलेगी, जैसे कि अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, और ऊपर प्रॉपर्टी एरिया में जाके आप उसको टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में जितने भी टेक्स्ट इंस्टॉल है वो सारे टेक्स्ट आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा फॉन्ट साइज के अंदर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से ऊपर से प्रॉपर्टी पैनल में इसे कर सकते हो। ओके, फॉन्ट स्टाइल हमेशा पॉइंट में कैलकुलेट करी जाती है, जितने भी बड़े आपको करने हैं फॉन्ट्स, आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ से पॉइंट में साइज दे। ओके, टाइप मेनू में यहाँ पे ऊपर पहली ही चीज आपके पास अवेलेबल है फॉन्ट, जहाँ आपको फॉन्ट के बहुत सारे प्रीव्यू दिखाए जाएंगे और आप किसी भी सिलेक्टेड फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हो। नीचे जाएंगे तो रिसेंटली आपने यूज करे गए फॉन्ट्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे। साइज अवेलेबल है, अगर आपको 72 पीटी से ज़्यादा चाहिए तो अधर में जाके आप उसको लिख भी सकते हो, जिसको कैरेक्टर बोला जाता है। ओके, यही वाला कैरेक्टर आपको प्रॉपर्टी में से भी मिलता है, जैसे कि सिलेक्ट कीजिए एंड ऊपर जहाँ पे कैरेक्टर पैनल लिखा है वहाँ पे क्लिक कीजिए, पहली चीज़ आपको वही मिलेगी, यानी कि फॉन्ट फॉर्मेशन, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक जैसे सब एरिया आपको, सब स्टाइल्स आपको उसी के नीचे मिलेंगे। फॉन्ट की साइज बढ़ाना घटाना है तो सेट दी फॉन्ट साइज में आप जा सकते हो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो है लीडिंग। लीडिंग यानी दो सेंटेंसेस के बीच में आपको जगह बनानी है तो उसको लीडिंग बोला जाता है। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट बनता है तब डॉक्यूमेंट के अंदर सारी टेक्स्ट के अंदर एक पर्टिकुलरली लीडिंग दिया जाता है। उसके बाद है कर्निंग। कर्निंग का मीनिंग है कि आपके सिंगल लेटर्स के बीच में अगर आपको जगह चाहिए तो आप इजीली जगह बना सकते हो कर्निंग के साथ। जबकि मैन्युअली स्केलिंग ऑफ वर्टिकल, यानी फॉन्ट को साइज को बढ़ाया बिना वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली उसको स्केल कर सकते हो, जिससे आपके फॉन्ट ज़्यादा बड़े दिखेंगे। उसके अलावा आप उसको रोटेट भी कर सकते हो। नीचे से अगर प्रॉपर्टी आप चेक करें तो वहाँ पे ऑल कैप, स्मॉल कैप अवेलेबल है, जबकि सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, यानी मैंने लिखा हुआ है 10th, जो सुपरस्क्रिप्ट है, कोई विशिंग एरिया के अंदर हमें अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। आगे जाओगे तो वहाँ एक अंडरलाइन पोर्शन है, जिसके ऊपर क्लिक करने से टाइप को एक अंडरलाइन मिलती है, और आगे स्क्यू थ्रू यानी उसको एक ओवरलाइन दिया जाएगा। क्लिक कीजिए और अप्लाई कीजिए। लिखने के बाद अगर मुझे उसको अलाइनमेंट देना है तो प्रॉपर्टी पैनल में ही ऊपर अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जिससे आप किसी भी एंगल में या तो अलाइनमेंट में किसी भी टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो।
जबकि वही सारी चीजें आपको टाइप एरिया में भी अवेलेबल होती है। कोई वर्ड या तो सिंगल एरिया के लिए आप प्रॉपर्टी में से टेक्स्ट रैप नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बहुत सारे एरिया मिलेंगे टेक्स्ट के रिगार्डिंग। प्रीव्यू ऑन कीजिए। जैसे कि मेरी टेक्स्ट सर्कल फॉर्मेशन में आ गई, आप किसी भी शेपिंग एरिया को इजीली दे सकते हो टेक्स्ट के लिए, जिससे आप मनचाहा शेपिंग बना सकते हो, उस शेपिंग को एडिंग भी कर सकते हो। नीचे प्रॉपर्टी पैनल में से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली दोनों जगह से ये चीज़ दे सकते हैं। प्रेस ओके टू अप्लाई। जिसे एनवलप डिस्ट्रॉट भी कहा जाता है, यही आपको ऑब्जेक्ट पैनल में एनवलप डिस्ट्रॉट के नाम से भी यूज किया जाएगा। टेक्स्ट को राइट क्लिक पे क्रिएट आउटलाइन भी किया जा सकता है। अगर आप किसी टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यूज राइट क्लिक एंड क्रिएट आउटलाइन, जिससे आपका टेक्स्ट अलग अलग हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में क्यों कन्वर्ट करना है, उसका दो रीजन है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को लोगो की तरह फॉर्मेशन करना चाहते हो तो आपको कंपलसरी टेक्स्ट में से निकल के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में जैसे ही टेक्स्ट जाता है उसके एंकर पॉइंट को आप रीशेप कर सकते हो। जैसे कि अभी जो हेलो लिखा हुआ है उसको मुझे डिफरेंट वे में लिखना है तो मुझे उसको क्रिएट आउटलाइन करना कंपलसरी है। सेकेंड एरिया में अगर हम उसके अंदर पैटर्न, ग्रेडियंट या कोई अदर एरिया भरना चाहते हैं स्टाइलिंग में, तो भी हमें उसको टाइप में से कंपलसरी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो ही हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। मेक श्योर अगर आप प्रिंटिंग में जाते हो इस टेक्स्ट के साथ, तो कंपलसरी आप उसको पहले क्रिएट आउटलाइन करेंगे ताकि प्रिंट में यही वाले टेक्स्ट प्रिंट होके आए। इसको ऑब्जेक्ट में करने के बाद आप उसको अनग्रुप करके कोई भी चेंजेस दे सकते हो, जैसे कि उसकी साइज बढ़ाना है, या तो एरिया बढ़ा देना है, नया फॉन्ट प्रोड्यूस करना है, या फॉन्ट फॉर्मेशन को चेंज करना है। ये सारी चीज़ें आप आफ्टर क्रिएट आउटलाइन कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्टेड एरिया को आप चेंज करने के बाद कोई भी इफेक्टिवली बैकग्राउंड दे सकते हो, पैटर्न दे सकते हो, कलराइजेशन दे सकते हो, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर फील कर सकते हो। यही क्रिएट आउटलाइन आपको टाइप मेनू में भी मिलेगा क्रिएट आउटलाइन के तौर पे, जिससे आप उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जब हम इतनी बात कर चुके टाइप के बारे में, यहाँ पे वैसे ही वर्टिकल टाइप भी अवेलेबल है, जिससे आप सारी चीजें वर्टिकल फॉर्मेशन में लिख सकते हो। किसी भी पोस्टर में लिखना हो या तो फिर अट्रैक्टिव कोई टाइपोग्राफी बनानी हो। टाइपोग्राफी का मीनिंग है कि टेक्स्ट से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव एरिया बनाना, कोई डिज़ाइन बनाना, जिसे हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। ये टाइपोग्राफी आप वर्टिकल से भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल से भी कर सकते हो। सेकेंड टूल का नाम है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों में मिलेगा। पहली चीज़ कंपल्शन है उसमें कि एक एरिया होना चाहिए। एरिया यानी कोई भी एरिया, रेक्टेंगल, कोई दूसरा शेप या तो एब्स्ट्रैक्ट शेप जो आपने पेन टूल से बनाया है, उसके अंदर आप कहीं पे भी लिख सकते हो। एरिया टाइप टूल लेने के बाद जस्ट उसके इनसाइड क्लिक कीजिए। अगर आपको कलराइजेशन रखना है, बॉर्डर रखनी है, तो पहले से एक कॉपी लेके काम कीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रही हूँ। जो आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट है वो टेक्स्ट देखिए बाउंड्री के अंदर ही वर्कआउट हो रहा है, यानी ब्लू कलर का हमें जो दिख रहा है वो हमारी टेक्स्ट बाउंड्री है, जिसे हम एरिया टाइप टूल कहते हैं। एरिया टाइप टूल के अंदर सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, जो आपको हेल्प करता है एरिया को अलाइन करने के लिए। जैसे कि लेफ्ट है, सेंटर है, राइट, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड यानी इक्वल प्रोपोर्शनेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाइड फुल, यानी नीचे वाली जो लाइन है हमारी वो फोर्सफुली वो जस्टिफाइड करेगा। ओके, उसके बाद ऊपर वाला पहला अलाइनमेंट है जो आपको लेफ्ट से एरिया देगा, बाउंड्री से, राइट से एरिया देगा, यहाँ आपको पैराग्राफ करने के लिए मौका देगा। ओके, यही सारी चीज़ें आपको इजीली अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम दी पैराग्राफ पैनल। ओके, यहाँ पे अगर आपका टेक्स्ट एरिया कम है, यानी टेक्स्ट एरिया जो आपका बाउंड्री है वो कम है, तो बाहर एक प्लस करके एरिया बन जाएगा,
जिसको थ्रेड एड टेक्स्ट बोलते हैं। इसका मीनिंग है कि आपकी कुछ रिमेनिंग टेक्स्ट जो आउटसाइड फॉल कर रही है उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा एरिया बना सकते हो जिसको थ्रेड एड बोला जाता है। आप जो बीच में लाइन देख रहे हो दैट इज़ द थ्रेड एड। टाइप मेनू में यही ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप रिलीज कर सकते हो और उसको रिमूव भी कर सकते हो, यानी दोनों को इंडिविजुअल टेक्स्ट लाइन बना सकते हो। ओके, टाइप में जाओगे, वहाँ पे आपको एरिया टाइप टूल ऑप्शन है जिससे आप कोई भी पैराग्राफ एरिया को परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो रो एंड कॉलम में, जिससे एक मैनेजेबल एरिया बन जाएगा टेक्स्ट का, जैसे आप मैगजीन में देखते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, बुकलेट्स में देखते हो। ये सारी चीज़ें एक मैनेजेबल एरिया के लिए यूज़ की जाती है। इसके बीच में अगर आपको स्पेसिंग को ज़्यादा करनी है, कम करनी है, तो यहाँ से स्पैन अवेलेबल है जिससे आप परफेक्टली एरिया को स्मॉल और बिग कर सकते हो। ओके कीजिए ताकि आपका एरिया प्रॉपरली सेटल डाउन हो जाए। देखिए, कोई भी बुक में आप जैसे मैनेजेबल देखते हो ना, वैसे ही मैनेजेबल एरिया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कोई दूसरे ऑब्जेक्टिव एरिया में भी आप लिख सकते हो, जैसे कि पेन टूल से कोई शेप बनाने के बाद मुझे उस शेप के अंदर स्पेसिफिक कोई एरिया लिखना है, तो भी मैं वो सारी चीज़ें एरिया टाइप टूल से ही कर सकती हूँ। देखिए, आप इससे कोई मनचाही डिज़ाइंस भी बना सकते हो, कोई शेपिंग भी बना सकते हो, ताकि आप क्रिएटिवली टाइपोग्राफी कर सको। आज हमने टाइप टूल का बिगनिंग देखा। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा मोर ऑप्शन विद टाइप टूल।